दोस्तों ये जो मेरे पास में मोटर है, इस मोटर को मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसी प्रकार से इसको मुझे रिवर्स डायरेक्शन में भी रन करवाना है। यानी कि ये जो मेरा मोटर है ये ऑटोमेटिकली पहले तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन होगा, उसके बाद मोटर मेरा कुछ समय के लिए ऑफ रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो मोटर मेरा ऑफ हो गया। उसके बाद जब मेरा मोटर ऑफ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मोटर मेरा रिवर्स डायरेक्शन में रन होना चाहिए, और ये जो साइकिल ये कंटिन्यूसली चालू रहना चाहिए जब तक कि हम इस मोटर को पूरा का पूरा बंद ना कर दें। तो इस मोटर को ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में रन करवाने के लिए मैं यहाँ पे एक टाइमर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये जो आप टाइमर देख रहे हो, इस टाइमर को हम कहते हैं इनवर्स टाइमर। तो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर किस प्रकार से हम बनाएंगे टाइमर का इस्तेमाल करते हुए, चलिए समझ लेते हैं। स्टार्टर बनाने के लिए मैं यहाँ पे दो कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, साथ ही साथ में एक टाइमर का इस्तेमाल करूंगा और टू पोल वाली एक MCB का इस्तेमाल करूंगा। अब इन सभी का इस्तेमाल करते हुए यदि आप स्टार्टर बनाना चाहते हो तो आपको वहाँ पे इस सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मेरा सर्किट डायग्राम है इसमें यह बताया गया है यदि आप MCB को ऑन कर दोगे तो आपका स्टार्टर वर्क करना चालू कर देगा। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आपका जो स्टार्टर है, स्टार्टर आपका पुश बटन को प्रेस करने के बाद ऑन हो, तो वहां पे आपको इस सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो सर्किट डायग्राम है इसको मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के टाइम पर इस सर्किट डायग्राम के अनुसार हम पूरा वायरिंग करना सीख लेते हैं। तो इन सभी का वायरिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि ये जो हमारा MCB है, इस MCB में जहां पे आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई मिले उसी पॉइंट पे आपको एक वायर को कनेक्ट कर देना होगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको लेके जाना है, और जो आपका टाइमर है इस टाइमर में यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको A2 टर्मिनल मिल जाएगा, तो इसी टर्मिनल के साथ आपको न्यूट्रल वाले पावर सप्लाई को ले जाके कनेक्ट करना है। इन दोनों कॉन्टेक्टर को भी मुझे न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो A2 टर्मिनल है इसी के साथ एक और वायर को लूप कर दूंगा। यानी कि इस पॉइंट पे हमने दो वायर को कनेक्ट कर दिए। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको लेके जाएंगे और इस कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। इसी प्रकार से इस कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल पे एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और इस वायर को लेके जाना है, और जो आपका दूसरा कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर को आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्शन किस प्रकार से किया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनएकेडमी की तरफ से सभी मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे फ्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस वर्कशॉप में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और रसबेरी पाई के बारे में सिखाया जाएगा, और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए डाटा साइंस, सिविल इंजीनियर के लिए हाउ टू बिकम सक्सेसफुल साइट इंजीनियर के बारे में बताया जाएगा। अनएकेडमी के कुछ वर्कशॉप में आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, और ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसके बारे में आप अपने रिज्यूम लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड करके अपने प्रोफाइल को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अनएकेडमी की तरफ से जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इसको बहुत सारे लोग ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं, और उन सभी लोगों का जो फीडबैक है इस वर्कशॉप के बारे में वो फीडबैक बहुत ही अच्छा मिल रहा है। ये जो वर्कशॉप है ऑलरेडी 17 मई से स्टार्ट हो चुका है जो कि 31 मई तक चलेगा, और आज है 25 मई, तो आज से पहले जितने भी वर्कशॉप ऑलरेडी हो चुके हैं उसको भी आप देख सकते हो, और आगे जितने भी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए जाने वाले हैं उसका आप इनरोलमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अनएकेडमी का जो पेड कोर्स है उसको ज्वाइन करने के लिए मेरा कूपन कोड electrical001 इस्तेमाल करते हो तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल प्रोवाइड कर दिया गया है, वहां पे क्लिक करके इनरोलमेंट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि आप ड्रॉइंग को देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो हमारा MCB है, MCB से जो आपको फेस सप्लाई मिलेगा उसको ले जाके आपको आपका जो इनवर्स टाइमर है, इस इनवर्स टाइमर का जो A1 वाला टर्मिनल होता है उस टर्मिनल के साथ फेस सप्लाई को ले जाके कनेक्ट करना है। इस MCB के आउटपुट टर्मिनल पर एक वायर को हम कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको हमें लेके जाना है, और जो आपका इनवर्स टाइमर है इस इनवर्स टाइमर पे आप देखिएगा तो आपको कहीं ना कहीं पे A1 टर्मिनल मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर A1 लिखा हुआ है, तो इसी टर्मिनल के साथ आपको इस वायर को कनेक्ट करना होगा। अब इसके बाद ड्राइंग में यदि आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो हमारा इनवर्स टाइमर था, इस टाइमर का जो एनो कॉन्टेक्ट है, इन दोनों कॉन्टेक्ट को हमें फेस सप्लाई प्रोवाइड करना है।
अभी यहाँ पे आप देखोगे दो दो जगह एनो कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका जो टाइमर है, इस टाइमर में आप यदि देखोगे एक और यहाँ पर एक, यानी कि दो एनो कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका एमसीबी है, एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से जो आपको फेस सप्लाई मिलेगा उसी टर्मिनल के साथ आपको एक वायर को कनेक्ट करना होगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको लेके जाना है, और जो आपका ये वाला टाइमर है, इस टाइमर का जो एक एनोड कॉन्टैक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका 5 और 6 नंबर का टर्मिनल है ये एनोड कॉन्टैक्ट है, तो मैं यहाँ पे 5 नंबर के टर्मिनल पे इनपुट पावर सप्लाई दे दूंगा। अब इस टाइमर का जो दूसरा एनोड कॉन्टैक्ट है, उस एनोड कॉन्टैक्ट पे भी आपको फेस सप्लाई लेके जाना है। फिलहाल के टाइम पे आप देख सकते हो कि एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से हमने फेस सप्लाई को ले जाके इस टाइमर के A1 टर्मिनल पे एक वायर को कनेक्ट किए थे, तो हम यहाँ पे इसी टर्मिनल के द्वारा हम 2 नंबर के टर्मिनल पे एक पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटे से वायर का लूप इस्तेमाल करूंगा, इस वायर के लूप को लेके जाऊंगा और जो हमारा A1 टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा। ओके, अब इस वायर के दूसरे सिरे को लेके जाना है, और ये जो 2 नंबर का टर्मिनल है इस टर्मिनल पे हमें इस वायर को कनेक्ट करना होगा। अब इसके बाद में जो वायरिंग किया जाएगा उसको करने के लिए आप ड्रॉइंग को देखिए। ड्रॉइंग को यदि आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि जो हमारा टाइमर का एनोड कॉन्टैक्ट है इससे पावर सप्लाई जा रहा है एनसी कॉन्टैक्ट में। अब यहाँ पे जो एनसी कॉन्टैक्ट है ये कॉन्टैक्ट हमारा दूसरे कॉन्टैक्टर का है, यानी कि फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के सर्किट में आपको रिवर्स कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करना है। इसी प्रकार से रिवर्स कॉन्टैक्टर के सर्किट में फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करने का रीजन ये है कि आपका जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है और जो रिवर्स कॉन्टैक्टर है ये दोनों के दोनों एक साथ ना ऑन हो जाए, यानी कि इंटरलॉकिंग किया गया है। इंटरलॉकिंग आप 2 तरीके से कर सकते हो, पहला तो हो गया आपका इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक और दूसरा आपका मैकेनिकल इंटरलॉक। जैसे कि आप देख सकते हो इन दोनों कॉन्टैक्टर के बीच में मैंने एक मैकेनिज्म को लगा के रखा हूँ, इसको हम कहते हैं मैकेनिकल इंटरलॉक। मैकेनिकल इंटरलॉक को किस प्रकार से हम कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूँ, तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमें अभी के टाइम पे क्या करना है कि ये जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर का जो एनो कॉन्टैक्ट है उसके द्वारा हमें इन दोनों को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो 2 और 3 नंबर का टर्मिनल वाली एनो कॉन्टैक्ट है इसका इस्तेमाल करूंगा इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए। इसके बाद आपका जो यहाँ पे 5 और 6 नंबर का कॉन्टैक्ट है इसका इस्तेमाल करूंगा इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए। तो मैं यहाँ पर इस 6 नंबर के टर्मिनल पे एक वायर को ले जाके कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको लेके जाना है, और जो ये हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है इस कॉन्टैक्ट के साथ इस वायर को कनेक्ट करना होगा। अब इस एनसी कॉन्टैक्ट का जो आउटपुट वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ आपको एक वायर को कनेक्ट करना होगा, और इस वायर के दूसरे सिरे को लेके जाना है, और जो आपका दूसरा कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर का जो A1 वाला टर्मिनल है उसके साथ इस वायर को कनेक्ट करना होगा। तो ये जो कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर को चालू करने का कनेक्शन हो गया। अब हमें इस कॉन्टैक्टर को चालू करने का कनेक्शन करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टाइमर का जो 3 नंबर का पॉइंट है तो इस टर्मिनल के साथ हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको लेके जाना है, और जो आपका रिवर्स कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट के साथ आपको इस वायर को कनेक्ट करना होगा। अब हमें केवल एक आखिरी वायर को कनेक्ट करना है, ये जो वायर है इस वायर को लेके जाना है, और जो आपका रिवर्स कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है इस कॉन्टैक्ट के साथ आपको इस वायर को कनेक्ट कर देना होगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके जाना है, और जो आपका फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर का जो आपका A1 टर्मिनल होगा उस टर्मिनल के साथ आपको इस वायर को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर इसका A1 टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल के साथ मैं इस वायर को कनेक्ट कर दिया। ओके, अब ये जो टाइमर है इस टाइमर में हमें टाइम का प्रोग्रामिंग करना है कि कितने समय हमें मोटर को चालू रखना है और कितने समय हमें मोटर को बंद रखना है। अब इस टाइमर में आप देखोगे यहाँ पे 2 नॉब दिया गया है ऑन टाइम का प्रोग्रामिंग करने के लिए, और ये 2 नॉब दिया गया है ऑफ टाइम का प्रोग्रामिंग करने के लिए।
इस टाइमर के जरिए आप 100 मिनट तक मोटर को ऑन रख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, ये जो नॉब है इसको रोटेट करके जितना टाइम सेट करना है उतना टाइम सेट कर सकता हूँ। मैं अभी के टाइम पे 10 सेकंड चाहता हूँ तो 10 सेकंड सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ये वाला जो नॉब है इसको रोटेट करके मैं 100% पे कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 10 सेकंड के लिए ही मोटर को चालू रखना है। इसके बाद हमारे मोटर को कितना समय के लिए ऑफ रखना है उसका प्रोग्रामिंग करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा टाइमर का ये वाला नॉब है इसको रोटेट करके मैं यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम सेट कर दूंगा। अभी के टाइम पर मुझे मोटर को 10 सेकंड के लिए ही ऑफ रखना है, तो इसको मैं 100% पे सेलेक्ट कर दूंगा। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देता हूँ, यानी कि 8 सेकंड के लिए टाइम सेट कर दिया। ओके, तो हमारा वायरिंग भी कंप्लीट हो गया और टाइमर में हमने टाइम को भी सेट कर दिए। अब मैं यहाँ पे मेरे मोटर का पावर वायरिंग कर देता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली हम इसका वर्किंग को समझेंगे। पावर वायरिंग का मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने उसके लिए अलग से एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो यदि आपको इस मोटर को चालू करना है तो आप क्या करोगे, आपका जो ये वाला MCB है इसको ऑन कर दीजिए। इसको ऑन करते ही आप देखोगे मोटर हमारा इस डायरेक्शन में रन हो रहा है। हमारा मोटर अब कितना समय रन करेगा डिपेंड करता है कि हमने कितना टाइम सेट करके रखे हैं ऑन टाइम। ऑन टाइम कंप्लीट होते ही हमारा मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, जितना टाइम हमने सेट किया उतना टाइम के लिए ऑफ रहेगा, और टाइम कंप्लीट होते ही हमारा मोटर ऑटोमेटिकली दूसरे डायरेक्शन में रन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो अभी के टाइम पे इस डायरेक्शन में मोटर हमारा रन हो रहा है। ओके, अब टाइम कंप्लीट होते ही ये मोटर हमारा ऑफ हो जाएगा। उसके बाद ऑफ टाइम का यहाँ पे टाइम का काउंटिंग हो रहा है। टाइम का काउंटिंग कंप्लीट होते ही हमारा ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हो ये वाला कॉन्टेक्टर भी ऑन हो गया। तो इसी टाइप से आपका दोनों कॉन्टेक्टर चालू बंद होते रहेंगे जब तक कि आप इस MCB को बंद ना करो। इसको बंद करने के बाद आपका पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। ओके दोस्तों, अभी के टाइम पे इस मोटर को रन करवाने के लिए हम MCB का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि MCB को ऑन करते ही हमारा मोटर रन होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप चाहते हो कि आपका मोटर पुश बटन को प्रेस करने के बाद स्टार्ट हो तो आपको यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस सर्किट डायग्राम को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। देखिए, आपका जो फेस सप्लाई होगा उसको ले जाके MCB के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको स्टॉप पुश बटन को पावर सप्लाई देना है, उसके बाद स्टार्ट पुश बटन को। अब जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो यहाँ पर रिले इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर इन दोनों कॉन्टेक्टर के अलावा आपको इस टाइप का एक रिले इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इस रिले को आपको DOL स्टार्टर के जैसे चालू करना है। यानी कि आपका जो स्टार्ट पुश बटन है इसको प्रेस करते ही ये वाला रिले ऑन हो जाएगा, और इस रिले के ऑन होते ही इसका जो NO कॉन्टेक्ट है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके NC में कन्वर्ट होने से क्या होगा, ये वाला जो सर्किट है इसमें पूरा पावर सप्लाई आ जाएगा। अब इसी सर्किट के साथ में आप देख सकते हो हमारा टाइमर कनेक्ट है ये वाली, तो ये टाइमर हमारा ऑन हो जाएगा। अब इस टाइमर के ऑन होते ही इसका जो एक NO कॉन्टेक्ट है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस कारण से हमारा एक कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। ये वाला कॉन्टेक्टर हमारा फॉरवर्ड में है तो आपका मोटर सबसे पहले फॉरवर्ड में रन होगा। उसके बाद जैसे ही इस टाइमर का टाइम कंप्लीट होगा तो इस NO कॉन्टेक्ट को दोबारा बंद कर देगा, यानी कि यहाँ से पावर सप्लाई देना बंद कर देगा। उस कंडीशन में हमारा मोटर रुक जाएगा। कितना समय बंद रहेगा डिपेंड करता है कि आपने इस टाइमर में कितना टाइम सेट करके रखे हो। ओके, इसके बाद जैसे टाइम कंप्लीट होगा तो ये जो NO कॉन्टेक्ट है ये NC में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस कारण से पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए हमारे इस रिवर्स कॉन्टेक्टर में चला जाएगा, यानी कि हमारा मोटर अब दूसरे डायरेक्शन में रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये जो सर्किट डायग्राम है इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।